दिल्ली से मानेसर तक सफर करने वाले यात्रियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से हवाई टैक्सी का तोहफा मिला है। अब दिल्ली गुड़गांव वालों को जमीन से ऊपर आरामदायक बिना ट्रैफिक जैम के सफर की सुविधा मिलने वाली है। जल्दी सरकार के मेट्रिनो प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने वाला है और चलेगी बिना ड्राइवर के टैक्सी। आइए देखते हैं रिपोर्ट। अगर आप गुड़गांव में रहते हैं या हर दिन गुड़गांव आते जाते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। जल्द ही गुड़गांव की सड़कों पर आपको एक ऐसी टैक्सी दौड़ती नजर आएगी जिसमें ड्राइवर नहीं होगा। इस टैक्सी में बैठकर आपको ट्रैफिक जाम का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। ये खुशखबरी केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यात्रियों को दी है। नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली और मानेसर के बीच राष्ट्रीय राजधानी में सरकार की महत्वाकांक्षी 4000 करोड़ रुपए की लागत वाली सार्वजनिक परिवहन परियोजना मेट्रिनो पर अगले 2 महीनों में काम शुरू हो जाएगा। मेट्रिनो एक चालक रहित परिवहन प्रणाली है जो रोपवे पर चलती है। इसके साथ ही गडकरी ने ये भी कहा कि हमें नई दिल्ली में धौलाकुआं से हरियाणा के मानेसर तक मेट्रिनो परियोजना के निर्माण के लिए 4 निविदाएं मिली हैं और हम 2 महीनों में काम शुरू होने की उम्मीद कर रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि मेट्रिनो की क्या क्या खूबियाँ हैं। मेट्रिनो पॉड टैक्सी की योजना है और यह करीब 13 किलोमीटर के ट्रैक के लिए प्रस्तावित है जो दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर के बादशाहपुर मोड़ सोहन रोड तक चलेगी। इस योजना पर करीब 850 करोड़ का खर्च आएगा। अब आपको बताते हैं कि इस टैक्सी की क्या क्या खूबियां हैं। मेट्रिनो दिल्ली से गुड़गांव को जोड़ने का काम करेगी। ये टैक्सी पॉड शेयरिंग ऑटो की तरह भी इस्तेमाल की जा सकेगी। इस टैक्सी में एक बार में 5 लोग सफर कर सकते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए एक पॉड टैक्सी किराए पर लिए जाने की भी सेवा उपलब्ध होगी। इसकी औसतन स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। देश में पहली बार इस योजना को लागू करने की तैयारी चल रही है। विदेशों में पॉड टैक्सी योजना लागू होने के बाद इसे देश में लाने की पहल केंद्र सरकार ने की है। वैसे तो ये योजना कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में दिल्ली सरकार ने बनाने की पहल की थी, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाई। बताया जा रहा है कि पॉड टैक्सी योजना मेट्रो और मोनोरेल की लागत से कम खर्चीली है। लगभग 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर मेट्रो का खर्च आता है तो वहीं लगभग 200 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर मोनोरेल पर लागत आती है, जबकि लगभग 50 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर पॉड सेवा पर खर्च आएगा। कम लागत में बेहतर और आधुनिक यातायात देने की ये योजना केंद्र सरकार का काबिले तारीफ कदम है, लेकिन क्या वाकई ट्रैफिक जाम से जूझ रहे दिल्ली गुड़गांव वालों को राहत मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहिए डीबी लाइव।